हमारा Redmi 9A का रिटेल पैकेजिंग जो आ चुका है, एंड बेसिक रीज़न इसको कैमरे के आगे अनबॉक्सिंग करने का यही है कि इसमें आईफोन वाले कांड के बाद ना अमेज़ॉन से थोड़ा सा डर लगने लग गया। हालांकि मैं प्राइम मेंबर हूँ, बट स्टिल यार, फ़ोन चाहे 5,000 का हो या 50,000 का, आपका पैसा लगता है तो आपको डर लगता है। कोई भी पैसा फ्री में नहीं आता। सो ये रहा गाइस हमारा Redmi 9A 32GB 5000mAh बैटरी। एंड बेसिकली मेरा इस मोबाइल को लेने का मकसद ये था कि 2GB रैम आज के टाइम पे, जैसे मान लो हमारे घर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ व्हाट्सएप ही चलाना होता है या कुछ बेसिक ऐप ही चलानी, तो क्या ये उनके लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि मुझे ही आगे किसी अपने एल्डर को देना है। एंड उससे पहले चेक करना चाहता हूँ कि है उस लायक या नहीं। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो डॉट नॉच लिखा हुआ है, 6.53 इंच का डिस्प्ले है, 6.5 अप्रॉक्सीमेट इसका जो है मुझे कॉस्ट पड़ा है, 13 मेगापिक्सल AI कैमरा, हीलियो का G25 मीडियाटेक है ये, एंड 5000mAh बैटरी है, एंड ये सब चीज़ें ड्यूल वोल्टी है, 5 मेगापिक्सल फ्रंट, थोड़ा सा स्प्लैश प्रूफ है, 3D कवर्ड ग्लास है। एंड अगर आपको मैं ये देखो 2+32GB का वेरियंट है, ये रहा खूनी चाकू से किया हुआ वार, सील खोली है, एंड ओके ये रहा हमारा प्यारा सा मोबाइल। एंड इसमें केस तो वो नहीं होगा क्योंकि बहुत कम प्राइस में मोबाइल है, इसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, कागज़ पत्रियाँ, जन्म पत्रियाँ, ये वो 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर है, और ये माइक्रो USB वाली हमारी डेटा केबल है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये रहा हमारा मोबाइल, काफ़ी सही डिज़ाइनिंग लगा मुझे इसका, तो मुझे था कि अगर किसी एल्डर को देना है तो एटलीस्ट डिज़ाइन तो अच्छा होना चाहिए। और ऊपर से इसमें आप देख सकते हैं स्क्रैचलेस बॉडी है, प्लास्टिक है बट कुछ इस तरह की बॉडी होना तो मज़ा आता है, स्क्रैच जल्दी से नहीं पड़ते इस तरह की बॉडी। और ये जो बॉर्डर डिज़ाइन है ना यार, रेडमी का ब्रांडिंग एंड ये लाइन कुछ अलग ही है, सिंगल मतलब ड्यूअल कैमरा टाइप स्टाइल बना रखा है, सिंगल कैमरा एंड ये एक LED फ्लैश है, 13 मेगापिक्सल यहाँ लिखा गया है, और फ्रंट की तरफ है ये Redmi, Xiaomi एंड ऑल ये सब चीज़ें। सो यार इसको मैं बूट कर लेता हूँ, एंड 2-3 दिन यूसेज के बाद ही इसका जो वीडियो है वो मैं तैयार करूँगा, ताकि एग्जैक्टली पता चल सके किस तरह का ये मोबाइल है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक, मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। सो गाइज, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया इस मोबाइल का, एंड अब बात कर लेते हैं 2-3 दिन तक यूज़ करने में किस तरह से रहा ये। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ, इसके डिज़ाइन की बात करूँ अगर मैं, सो डिज़ाइन में अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो इसमें स्क्रैचलेस बॉडी जो दी गई है, हालांकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी है बट स्क्रैचलेस देने की वजह से क्या हो गया, थोड़ी जान आ गई, मतलब काइंड ऑफ देखने में भी अच्छा लग रहा है, एंड काफ़ी ही आवाज़ सुन सकते हैं, तो मतलब आपको पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में क्या कि जिसके पास भी ये रहेगा तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से पॉलीकार्बोनेट बॉडी में बहुत जल्दी स्क्रैच आ जाते हैं। सो इस तरह की जो बॉडीज़ हैं इनमें जल्दी स्क्रैच नहीं आता, एंड एक्चुअल में देखने में काफ़ी एलिगेंट सा डिज़ाइन है, वो एक तरफ जो कैमरा डिज़ाइन है, जो लाइन दे रखी है, तो थोड़ा लगता है कि हाँ किसी मतलब अपने को दे रहे हो तो कुछ अच्छी चीज़ ही दे रहे हो। एंड अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट की, तो फ्रंट की तरफ से 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, एंड ऊपर एक ईयर पीस है जो अगर आप स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखोगे तो काफ़ी सही है, मतलब बेजल है थोड़े थोड़े, बाकी हम लोग तो थोड़े फ्लैगशिप टाइप मोबाइल यूज़ करते हैं, उस नज़र से अगर मैं हटके देखूँ तो काफ़ी सही बेजल्स हैं इस प्राइस रेंज में। तो वहीं राइट साइड में अगर मैं बात करूँ तो आपके पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स है, एंड लेफ्ट साइड की बात करूँ तो एक सिम ट्रे है जिसमें ट्रिपल सिम स्लॉट है, मतलब एक मेमोरी कार्ड है एंड ड्यूअल सिम स्लॉट है, एंड दोनों ही 4G वोल्टेज सपोर्ट करते हैं ये। एंड इसमें एक कमी है, कमी क्या मतलब उस प्राइस में मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था उस चीज़ को, जो कि है हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें नहीं है। फेस अनलॉक है, फेस अनलॉक काफ़ी सही वर्क करता है इसमें, थोड़ा सा डिले कर देता है, आप देखें अगर जैसे ही बटन दबाता हूँ तो एक दो बार स्किप कर देता है, थोड़ा लो लाइटिंग में भी थोड़ा स्किप कर देता है, बट हाँ आप पासवर्ड रख सकते हो, बट जिनको देना उनको तो पासवर्ड भी रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल फेस अनलॉक थोड़ा लगता है रियलिस्टिक, थोड़ा लेटेस्ट टाइप सा लगता है, तो हाँ ये फीचर होना मस्ट है। एंड ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है हमारा बहुत ही प्यारा सा 3.5mm जैक, मतलब ईयरफोन्स वगैरह लगा सकते हैं, वो एल्डर्स को पूरा दिन ऐसे फ़ोन लगाने का फोन नहीं होता है, बट स्टिल आपको ईयरफोन्स अलग से परचेज करने ही पड़ेंगे, बट स्टिल ये एक पॉइंट दिया गया है तो काफ़ी अच्छी बात है, इतने प्राइस में दिया ही जाता है। एंड नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो एक माइक्रो USB केबल है, एक स्पीकर है, छोटा सा इसमें माइक है, अब इसमें ड्यूअल माइक नहीं है, सिंगल माइक ही है। आउट ऑफ द बॉक्स बात करूँ तो इसमें ब्रॉडबेयर काफ़ी मिलते हैं आपको, अमेज़ॉन, फेसबुक, ये WPS, ये सभी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, इवन गेम्स भी हैं, इन सभी चीज़ों का आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल इस बजट में ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए यार, क्योंकि पहले ही 2GB रैम है और ऊपर से ये सब चीज़ें, सो Xiaomi को ये चीज़ पे थोड़ा देखना चाहिए। बाकी कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो कुछ शॉट्स मैंने अभी इसके बाद लगा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि आउटडोर और इनडोर लाइट में किस तरह के आपको शॉट्स मिल जाएंगे, सो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट हाँ एक नॉर्मल जो है फोटोग्राफी हो जाएगा,
एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी के हिसाब से मत देखना कि जिसको ये देना है आपको उन्हें एक नॉर्मली जस्ट एक स्नैप खींचना ही उनके लिए बहुत बड़ा वो होता है कि हाँ खींच लिया एक स्नैप जस्ट, और वो उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। लाइटिंग में लिया है, अगर मैं लाइटिंग थोड़ी सी ऑफ़ कर दूं, ठीक है, मतलब ये सॉफ्ट लॉक्स को अगर ऑफ़ कर दूं, तो अलेक्सा टर्न ऑफ ऑल लाइट। नॉर्मल जो रूम की लाइटिंग होती है इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है यार, ओके, ठीक है यार, मतलब कि प्राइस की अकॉर्डिंग यह कॉल अगर करनी है आपको एक नॉर्मल लाइट इतनी चाहिए होती है, हमें चेहरा ही दिखना, तो ये कैमरा क्वालिटी ठीक है इस प्राइस रेंज में, 6,500 6,000 भी पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली। सो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल के वेट की। मोबाइल का वेट है अप्रॉक्सीमेट 195 ग्राम, बट पता नहीं चला इसकी प्लास्टिक की बॉडी की वजह से थोड़ा सा बड़ा है ना, बट हाँ 195 ग्राम का ये मोबाइल है, थोड़ा सा लंबा है, मतलब स्क्रीन थोड़ी बड़ी है ना, तो सामने वाला खुश हो जाता है कि हाँ बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल है, थोड़ा लगता है कि कुछ प्रीमियम सा डिज़ाइन की वजह से, मैं कह रहा हूँ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एलिगेंट सा। और स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें G25 प्रोसेसर है, मीडियाटेक का है, वो अच्छा डिसेंट वर्क करता है वो, एंड 5000 mAh की बैटरी है, जो सच कहूँ अगर उनके ही लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब जिनको ही देना, अगर वो ऐसा यूज़ करने लगे इसको, इंटरनेट पूरा दिन ऑन भी रहेगा, सो ये 1.5 दिन तक काफ़ी आराम से निकाल देता है, 1.5 दिन तक भी, मतलब 10-15% बैटरी थी इसमें, सो यस बैटरी बैकअप उनका ऑल ओवर द डे चल ही जाएगा, इवन कि पता ही आपको जैसा यूसेज अगर होगा ही नहीं यूसेज वगैरह, तो और भी ज़्यादा जो है बैटरी बैकअप उन्हें मिलेगा। वेल, अगर मैं इसकी साउंड की बात करूँ, क्योंकि थोड़ा साउंड हमें इसमें रिक्वायर्ड होगा, सो साउंड देख लेते हैं कि और इसका किस तरह का साउंड जो हमें मिलने वाला है, तो ये कुछ वॉल्यूम होगा इसका। तो स्पीकर जो है अच्छा खासा लाउड है, मैंने ये यहाँ पर रख के इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि हम नॉर्मली जब हम सुनेंगे तो ऑब्वियसली इतनी तो दूरी रहेगी, सो यस इसी रीज़न से मैं माइक के पास नहीं लाता हूँ। माइक के पास तो एक ईयरफोन भी लगाओगे तो वो भी बहुत ज़ोर से सुनता है, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो एक नॉर्मल जो साउंड आपको इसी तरह की मिलेगी, सो यस इस प्राइस में काफ़ी अच्छा लगा। इवन पोको जो C3 का मैंने जो लास्ट अभी अनबॉक्सिंग किया था उसमें इसे थोड़ी कम साउंड थी जो मुझे फील हुआ, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है साउंड। हाँ, ऑल ओवर अगर मैं इस फ़ोन को कहूँ तो वो बस एड्स को छोड़ के, जो एड्स काफ़ी अनॉय करती हैं एंड जिनके लिए है और इस प्राइस रेंज में, मैं इसको 5 में से 4 नंबर देता हूँ। एक नंबर शायद मैं जस्ट यूं ही काट रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो उतना नहीं है। मैं इस प्राइस रेंज में कभी मैंने कोई फ़ोन लिया भी नहीं एक्चुअल में, सो यस थोड़ा कैमरा मुझे लगता था लिटिल बिट सॉफ्टवेयर से इम्प्रूव कर सकते हैं, काफ़ी डार्क डार्क सा कैमरा जो आता है, सो अगर वो सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट वगैरह कर दें, सो डेट अगर वो वीडियो कॉलिंग वगैरह करें तो उनको थोड़ा सा साफ सा दिखे। सो ये कुछ चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी इंप्लीमेंटेशन जो मैं चाहता हूँ Xiaomi कर दे इस फ़ोन में। हालांकि मैं जानता हूँ छोटे फ़ोन्स के लिए तो अपडेट्स भी बहुत कम आते हैं, स्टिल एक एक्सपेक्टेशन रखी हुई है Xiaomi से एज ए मी फैन, एज यू ऑल नो कितने मी प्रोडक्ट्स आते हैं मेरे पास। सो यही था छोटा सा ओवरव्यू इस फ़ोन के लिए, एंड अच्छा लगा, ठीक है इस प्राइस रेंज में उनको देने लायक है। हाँ, मैं प्राउड से दे सकता हूँ हाँ उन्हें कि आप ले लो, यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ठीक है। बाकी एड्स वगैरह है वो तो आप बंद कर सकते हो, क्योंकि एड्स जो मी बहुत गंदी गंदी देता है, सो वो एक कमी है। सो बाकी यही था गाइस मेरा वीडियो, होप आपको इस तरह के मोबाइल्स की वीडियो भी पसंद आई होगी। मैं कुछ भी लेता हूँ तो ऐसे छोटी छोटी मोबाइल की एक ओरिजिनल रिव्यू सा देना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड 2 दिन के यूसेज के बाद मैंने ये किया, एंड मैं हर बार जो है जब भी मी का प्रोडक्ट लेता हूँ या उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, कुछ भी वीडियो बनाता हूँ, तो मैं हमेशा ही ये ऑरेंज वाली टी शर्ट ही पहनता हूँ क्योंकि ये मी का कलर है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव ए ग्रेट डे गाइस।